हेलो क्लास फिफ्थ फिफ्थ क्लास टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर लेसन नंबर 4 यूजिंग ग्राफिक्स इन एमएस वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ग्राफिक्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम मैनी ईयर्स। दे आर विजुअल इमेजेस और डिजाइंस ऑन सम सरफेस सच एज अ वॉल, कैनवास, स्क्रीन, पेपर और स्टोन टू इलस्ट्रेट और इंटरटेन। ग्राफिक्स क्या है बच्चों? ग्राफिक्स हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक हिस्सा है। सिर्फ आज से ही नहीं, काफ़ी समय पहले से, काफ़ी सालों पहले से है। ये ग्राफिक्स होता क्या है? ये एक विजुअल इमेजेस होते हैं, वो इमेजेस जिसे हम देख पाते हैं, इमेजेस या फिर कोई किसी तरीके का डिज़ाइन होता है किसी भी सरफेस पे। अब सरफेस लाइक किसी वॉल पे आप देखते हो कि आपने देखा होगा कि दीवार पे बहुत कुछ ग्राफिक्स यानी कि डिज़ाइंस बने हुए होते हैं। कैनवास यानी लाइक टेंट वगैरह आप देखोगे, उस पर कुछ प्रिंटेड होता है। स्क्रीन देख लो आप, चाहे कोई पेपर देख लो या कोई भी पत्थर वगैरह पे जो ग्राफिक्स यानी कि जो डिज़ाइंस होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक तरीके से ग्राफिक्स ही हैं जो कि बेसिकली इंटरटेन के लिए होती हैं आपके, और इंटरटेन से ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लगती हैं यानी कि लोगों को आकर्षित आकर्षित करती है अपनी तरफ। सो इमेजेस दैट आर जनरेटेड बाय कंप्यूटर दैट आर कॉल्ड एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। वो सभी इमेजेस जो कंप्यूटर जनरेट करता है उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स बोला जाता है। इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे जो कि एमएस वर्ड का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर भी है। अब विच विल हेल्प अस टू मेक अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव। अब ये क्या करता है? ये हमारे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव बनाता है, यानी कि प्रेजेंटेबल होता है प्रस्तुत करने लायक, देखने योग्य, ठीक है, एंड अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। इस जब आप डॉक्यूमेंट आप देखोगे तो वो आपका बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा, आकर्षित लगेगा आपको। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। योर फर्स्ट थिंग इज कम इज वर्ड आर्ट फीचर। नाउ व्हाट इज वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट इज अ फीचर बाय विच वी कैन ऐड स्टाइलिश टेक्स्ट टू अवर डॉक्यूमेंट। अब वर्ड आर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? हम हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी हम वर्ड लिखते हैं उसको स्टाइल दे सकते हैं, यानी कि किस तरीके से वो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट। सो इट प्रोवाइड्स अ गुड लुक टू द टेक्स्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है? ये हमारे टेक्स्ट को जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में होता है उसको एक अच्छा लुक देता है बाय क्रिएटिंग द टेक्स्ट इफेक्ट्स। कैसे देता है? इफेक्ट्स से, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जिससे हमारा वो जो वर्ड होता है, वो जो टेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट में, वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, गुड लुकिंग हो जाता है। सो दीज आर द स्टेप्स टू इंसर्ट द वर्ड आर्ट इन डॉक्यूमेंट। विच आर दीज? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। फर्स्ट इज योर, आप क्या करोगे वर्ड आर्ट फीचर के लिए, टेक्स्ट को स्टाइल देने के लिए? सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द वर्ड आर्ट बटन। देन आप जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे, एक टेक्स्ट ग्रुप आएगा आपके सामने। वहाँ टेक्स्ट ग्रुप से आप वर्ड आर्ट बटन पर क्लिक करोगे। देन जैसे ही आप वर्ड आर्ट बटन क्लिक करते हो, एक गैलरी अपीयर होगी आपके सामने, आपको गैलरी दिखाई दे जाएगी। सेलेक्ट द डिजायर वर्ड आर्ट स्टाइल। उस गैलरी से आपको जो भी स्टाइल अच्छा लग रहा हो आपके टेक्स्ट के लिए, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट, विंडो विल बी डिस्प्लेड। सो इसके बाद क्या होगा? एक एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट विंडो आपकी डिस्प्ले होगी। टाइप द डिजायर टेक्स्ट हेयर, आपको जो भी टेक्स्ट चाहिए वो आप यहाँ पर टाइप करिएगा, एंड क्लिक ओके बटन। देन ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सो द टेक्स्ट विल अपीयर इन दिस सिलेक्टेड स्टाइल। तो जो आपका टेक्स्ट होगा, जो भी आपका वो वर्ड है, वो उस स्टाइल में आ जाएगा जो भी आपने सिलेक्ट किया। सो आफ्टर दिस द वर्ड आर टूल्स विल अपीयर ऑन द रिबन। वी कैन डू मैनी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज टूल्स। और आप ऊपर देखते हैं एक रिबन होता है, वहाँ पर आपको ये सारे वर्ड आर्ट टूल्स भी शो हो जाते हैं, दिखाई देंगे। सो अब क्या कर सकते हैं वहाँ से? हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं इन टूल्स की हेल्प से। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आपका है रिसाइजिंग द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। अब आपने क्या करना है, अगर आपको अपने टेक्स्ट को
रिसाइजिंग करना, यानी कि रिसाइजिंग मीन्स या तो फिर छोटा करना या फिर बड़ा करना, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके भी यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द डिजायर्ड वर्ड आर टेक्स्ट। जिस भी टेक्स्ट को, जिस भी वर्ड को आपको छोटा या बड़ा करना है, सबसे पहले आप उस पर क्लिक कीजिएगा। देन टेक द माउस पॉइंटर टू एनी हैंडल ऑफ द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप साइड में, राइट साइड में आप पिक्चर्स पे देख रहे होंगे, आपको कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो डॉट्स है, ये इनको हैंडल बोला जाता है। आप माउस के पॉइंटर को इन हैंडल पे ले जाएंगे, किसी भी पॉइंट पर ले जाना। देन हैंडल्स आर द स्क्वायर पॉइंट्स अराउंड द डॉटेड आउटर लाइन ऑफ द वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब कोई भी एक हैंडल चूज करना, पिक करना। देन व्हेन द माउस पॉइंटर कम ओवर द हैंडल, देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ डबल हेडेड एरो। जैसे ही आप कोई भी हैंडल पिक करोगे, आप देखोगे कि आप वो जो आपका पूरा ये जो लाइनिंग है, जितनी भी लाइंस हैं इसकी, बॉक्स जो ये आपको एक बना हुआ है, डॉटेड में आपको शो होगा। देन ड्रैग दिस एरो अकॉर्डिंग टू द नीड, और फिर इसको आप ड्रैग करते जाना, जिस भी हिसाब से आपको इसको घटाना है या बढ़ाना है, इस तरीके से आप उसको ड्रैग करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज एडिटिंग द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। अब ये क्या है, नाउ वी कैन एडिट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अब हम वर्ड आर्ट टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो इसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं। क्लिक ऑन द एडिट टेक्स्ट बटन फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप पे जाकर आपको एडिट टेक्स्ट बटन को क्लिक करना है। देन एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट विंडो विल अपियर। विंडो अपियर हो जाएगी आपकी एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट। नाउ एडिट द टेक्स्ट इन द विंडो। उस विंडो के अंदर आप क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट एडिट करेंगे, जो भी आपको लिखना है वहां पर। एंड चेंज द फॉन्ट टाइप स्टाइल एंड साइज इफ नीडेड। और अगर आपको जरूरत है तो वहां से आप उसका फॉन्ट यानी कि ज्यादा बड़े बड़े अल्फाबेट में वो आपको शो हो, या फिर छोटे छोटे, इस तरीके से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, टाइप सेलेक्ट कर सकते हो, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, साइज भी आप उसमें चेंज कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। सो लास्ट देन क्लिक द ओके बटन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इंसर्टिंग पिक्चर इन डॉक्यूमेंट। अगर आपको डॉक्यूमेंट में, आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे, पिक्चर मेक अवर डॉक्यूमेंट्स मोर अंडरस्टैंडेबल एंड अट्रैक्टिव। पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट को बहुत अंडरस्टैंडेबल यानी समझने योग्य और अट्रैक्टिव, आकर्षित बनाती है। अब पिक्चर इंसर्ट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज ब्रिंग द कर्सर एट पोजीशन वेयर द पिक्चर इज टू बी इंसर्टेड। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो कर्सर है उसको उस जगह ले जाओगे जहां पर भी आपको पिक्चर को इंसर्ट करना है, लगाना है। देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। तब फिर आप इंसर्ट बटन, इंसर्ट टैब पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप करेंगे क्लिक ऑन द पिक्चर बटन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप पे जाकर आपको वहां से पिक्चर बटन पर क्लिक करना है। द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स विल अपियर। आप देखेंगे जैसे आपने पिक्चर बटन पर क्लिक किया, एक इंसर्ट पिक्चर पूरा डायलॉग बॉक्स होगा, आपको शो भी किया गया है इस फिगर में, वो आपको अपियर हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा। देन सेलेक्ट द फोल्डर। फिर आप क्या करोगे, फोल्डर सेलेक्ट करोगे जहां से भी आपको वो पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है। देन सेलेक्ट द पिक्चर एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। फिर आप वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेना अपने फोल्डर से, जो भी आपको पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में चाहिए, और उसको इंसर्ट बटन क्लिक कर दीजिएगा, या फिर आप डबल क्लिक करके भी उस पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। द पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। तो आपका जो पिक्चर है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा, आ जाएगा। नाउ इंसर्टिंग क्लिप आर्ट इन डॉक्यूमेंट। क्लिप आर्ट क्या है, क्लिप आर्ट हैज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। क्लिप आर्ट एक पूरा कलेक्शन है पिक्चर्स का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को शो करता है। कैटेगरी लाइक
बिजनेस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एट्सेट्रा। जैसे कि मान लो कि एजुकेशन कैटेगरी है, अब जैसे ही आप उस कैटेगरी एजुकेशन को सिलेक्ट करोगे, आप देखोगे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आपको शो हो जाएंगे। इसी तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड पिक्चर्स हो जाएंगी, यानी कि ये सारी कैटेगरी होती है आपकी। आपको जिस भी कैटेगरी भी जाना है, जिससे रिलेटेड पिक्चर चाहिए, आप उस कैटेगरी को क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने बहुत सारे क्लिप आर्ट आ जाते हैं, देन यू विल सेलेक्ट। सो वी कैन ऐड दीज पिक्चर्स इन आवर डॉक्यूमेंट बाय दी फॉलोइंग दीज स्टेप्स। अब हम ये कैसे करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट बटन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप। फिर इलस्ट्रेशन ग्रुप पे जैसे हम इंसर्ट बटन टैप करते हो, इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो, आपका एक इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है, आता है, जिसमें से आपको क्लिप आर्ट बटन क्लिक करना पड़ता है। देन क्लिप आर्ट टास्क पेन विल बी डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। आपकी राइट साइड पर एक क्लिप आर्ट टास्क पेन डिस्प्ले होगा। देन टाइप द सर्चिंग क्राइटेरियन इन सर्च फोर बॉक्स। अब सर्च फोर बॉक्स में आप जो भी आपको क्रिटेरिया चाहिए वो आप सर्च करेंगे, वो टाइप करेंगे, लिखे क्रिटेरिया लाइक कैटेगरी जो अभी आपको चाहिए वो आप टाइप करना, देन क्लिक ऑन द गो बटन और फिर गो बटन पर क्लिक कर देना। द रिलेटेड पिक्चर विल बी डिस्प्लेड ऑन द क्लिप आर्ट टास्क पेन। सो उससे रिलेटेड पिक्चर आपकी आपको शो हो जाएगी उस क्लिप आर्ट टास्क पेन पर। देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड पिक्चर टू द इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट। और फिर जो भी पिक्चर आपको चाहिए उस पर क्लिक कर आप अपने डॉक्यूमेंट में उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट। नाउ कम टू द यूजिंग शेप। अगर आपको कोई शेप यूज करना है अपने डॉक्यूमेंट में, वो कैसे करते हैं। अ शेप इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन इन अ ग्राफिकल वे। There are many shapes in MS Word like arrows, smiley, polygons, curves, etc. So बहुत सारी shapes होती है MS Word के अंदर, जैसे कि कोई arrow हो गया, कोई smiley figure हो गया, polygon, curves, etc. So that we can use in our document. तो हम अपने document में ये सारी shapes भी use कर सकते हैं। अब shape को कैसे use करते हैं, इसके लिए आपको नीचे steps दिए गए हैं। First step है आपका insert tab पे click करना है। Then come to the second, click on the shape button. Insert tab पे जैसे क्लिक किया आप वहाँ से shape button पर क्लिक करना है illustration group से। Then a dialog box will appear. एक dialog box आपका आएगा जहाँ पर बहुत सारी shapes के group होंगे, like lines, basics, shape, block, arrows, flowchart, call out, stars and banners etc. So ये सारे आपके शेप्स के ग्रुप आ जाएंगे। देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड शेप। अब आपको जिस भी तरह की शेप चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। देन ड्रैग द माउस पॉइंटर इन ऑन टू द वर्क एरिया टू मेक द शेप। और अपने माउस के पॉइंटर को वहां ड्रैग कीजिए जहां पर आपको वो शेप को इंसर्ट करना है। सो आपका वो शेप वहां पर इंसर्ट हो जाएगा। So now come to the next page, adding text in shape. अब आपको अगर उस shape के अंदर कोई text add करना है तो वो आप कैसे करते हो। Adding text inside the shape gives a specific information about the picture in the document. To do this, follow the given step. सबसे पहले आप क्या करेंगे, right click on the desired shape. जिस भी शेप के अंदर आपको टेक्स्ट लिखना है, ऐड करना है, उस शेप को आपको क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे, अ शॉर्टकट मेन्यू विल अपियर। ओके, देन शॉर्टकट मेन्यू अपियर हो जाएगा। देन सेलेक्ट द ऐड टेक्स्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। अब वहाँ मेन्यू में जो आपका कट मेन्यू शॉर्टकट मेन्यू अपियर हुआ है, उस मेन्यू पे आप ऐड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। टाइप द डिजायर टेक्स्ट एट द इंसर्शन पॉइंट। और फिर जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है आप उसको उस इंसर्शन पॉइंट पर टाइप कर देंगे, तो आपका जो शेप है उसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर पाओगे। नाउ कम टू द यूजिंग शेडो। अब आपको शेडो यूज करना है, वो आप कैसे करोगे। शेडो गिव्स द रियल इम्पैक्ट टू शेप्स। अब शेडो क्या करता है, आपकी जो शेप्स होती है उनको एक
रियल इम्पैक्ट देता है, वो ऐसा लगता है आपका रियल है, लाइट लाइट शेडो आ जाती है आपकी वो पूरी बाउंड्रीज में, जो शेप की बाउंड्रीज होती है आपको शेडो दिखाई देती है। नाउ अब ये आप कैसे करते हो, इसके लिए भी आपको स्टेप्स दिए गए हैं। सेलेक्ट द शेप फॉर विच द शेडो इज टू बी अप्लाइड। सबसे पहले आप वही शेप को सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपको शेडो क्रिएट करना है, देन क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द शेडो इफेक्ट्स बटन, देन शेडो इफेक्ट बटन, शेडो इफेक्ट्स का एक बटन है उस पर आप क्लिक करना, देन अ डायलॉग बॉक्स शोइंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडो, देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आप देख पाओगे कि बहुत सारे टाइप्स है शेडो इफेक्ट्स के, वो आपको दिखाई दे जाएंगे। तो जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको चाहिए, वो आप शेडो इफेक्ट्स सेलेक्ट करना, देन सेलेक्टेड इफेक्ट विल बी अप्लाइड ऑन द शेप। फिर जो भी आप सेलेक्ट करते हो इफेक्ट, वो आपका उस शेप पर अप्लाइड हो जाएगा, लग जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट इज इंसर्टिंग सिंबल्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर। अब आपको कोई सिंबल इंसर्ट करना है या कोई स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट करना है आपके डॉक्यूमेंट में, सो देयर आर वेरियस सिंबल एंड कैरेक्टर दैट वी रिक्वायर फॉर आवर टेक्स्ट, बट दे आर नॉट अवेलेबल ऑन कीबोर्ड। अब आपको आप देखते हैं बच्चों कि आपके कीबोर्ड पर सारे सिंबल्स नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो आपको आपके कीबोर्ड पे नहीं मिलेंगे, लेकिन एमएस वर्ड आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप अलग से बहुत सारे तरीकों के सिंबल भी आपके डॉक्यूमेंट में यूज करते हो। सो अब वो सिंबल्स आप कैसे इंसर्ट कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट में, इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले टेक द कर्सर एज एट द पोजीशन वेयर सिंबल इज टू बी इंसर्टेड, जहाँ पर भी आपको वो सिंबल इंसर्ट करना है, लगाना है, पहले कर्सर को वहाँ पर ले जाइएगा, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट ऐप, इंसर्ट ऐप पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन द सिंबल ऑप्शन, देन सिंबल ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ये सिंबल ऑप्शन आपका कहाँ मिलेगा, आपको सिंबल ग्रुप में, इंसर्ट ऐप पे क्लिक कर आपको सिंबल ग्रुप में, ग्रुप से सिंबल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देन सेलेक्ट मोर सिंबल ऑप्शन। अब आप देखेंगे सिंबल ऑप्शन जैसे क्लिक किया आप, फिर मोर सिंबल ऑप्शन पर सेलेक्ट करके अ सिंबल बॉक्स विल अपीयर, आपका एक सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, देन सेलेक्ट द सिंबल टैब इफ इट इज नॉट सिलेक्टेड, देन सेलेक्ट द डिजायर फॉन्ट फेस। फिर आप क्या करोगे, जिस जो भी आपको चाहिए फॉन्ट, जिस भी तरीके का आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करना, देन सेलेक्ट द डिजायर्ड सिंबल, जो भी सिंबल है वो आपने सेलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देना। द सिलेक्टेड सिंबल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, जो भी आपने सिंबल सेलेक्ट किया है वो आपका सिंबल आपके डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑफ द डायलॉग बॉक्स, देन आप डायलॉग बॉक्स की बटन को क्लोज कर देंगे। नाउ कम टू द एडजस्टिंग दी ब्राइटनेस, अगर आपको ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है देन हाउ यू डू दिस, सो दीज आर दी स्टेप्स। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ अ पिक्चर बाय फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज डबल क्लिक ऑन द पिक्चर फॉर विच द ब्राइटनेस इज टू बी एडजस्टेड। सबसे पहले आपको उस पिक्चर को डबल क्लिक करना है जिस भी पिक्चर के आपको ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है, देन क्लिक ऑन द ब्राइटनेस बटन फ्रॉम द एडजस्ट ग्रुप। फिर आपको एडजस्ट ग्रुप आप देखेंगे ऊपर, वहां से आपको एडजस्ट ग्रुप से ब्राइटनेस बटन को क्लिक करना है, अ लिस्ट ऑफ ब्राइटनेस वैल्यू विल अपीयर। आप जैसे ही ब्राइटनेस बटन क्लिक करते हो आप देखोगे कि बहुत सारी वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। नाउ क्लिक ऑन द डिजायर्ड वैल्यू, अब आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी हिसाब से आपको ब्राइटनेस चाहिए आप वो वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। अब वैल्यू आप कैसे सिलेक्ट करोगे, चूज पॉजिटिव वैल्यू टू लाइटन अ पिक्चर। अगर आपको आपका आपके पिक्चर लाइट चाहिए तो आप पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, और अगर डार्क चाहिए ब्राइटनेस देन आप नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑफ अ पिक्चर। सो हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ कम टू द एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में आपके 5 पार्ट्स है ए टू ई। फर्स्ट है आपका ए पार्ट एमसीक्यू,
देन सेकंड बी पार्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, देन आपका है ट्रू एंड फॉल्स सी पार्ट, देन डी पार्ट है आपकी जंबल वर्ड्स एंड योर लास्ट वन इज क्वेश्चन आंसर। सो मैंने यहाँ पर आपको इन सभी एक्सरसाइज, ये टोटल जितनी भी आपके क्वेश्चन हैं इसके सबके आंसर की प्रोवाइड कर दी है। सो आप अपना ये काम अपना कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपको बहुत जल्द आप कराऊंगी, तब तक आप अपना होमवर्क ही कंप्लीट करिएगा। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।